जब अंधेरा होगा तो जो भक्त लोग हैं वो प्रभु को प्रार्थना करेंगे, इसलिए प्रभु भक्त लोग का रक्षा करने के लिए वही सुदर्शन चक्र लेके आएंगे। और जल प्रयोग होगा, बर्फ चारों ओर हो जाएगा, वहाँ शिवकल्प निर्घंट मालिका में लिखा है। और भारत में सब आएंगे, योद्धा आएंगे, रथी आएंगे, महारथी आएंगे, सब देश के गुरु भारत आएंगे। बहुत खूब निकट है, बहुत जल्द ही वही अंधेरा आने वाला है। चारिदिग जाक अंधार होइब, उत्तर बहिब हिम, चारिदिन मध्य पृथ्वी नाश जीव, अग्निकुंड न मानिब। इसका मतलब है चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होगा। जब अंधेरा होगा तो जो भक्त लोग हैं वो प्रभु को प्रार्थना करेंगे, इसलिए प्रभु भक्त लोग का रक्षा करने के लिए वही सुदर्शन चक्र लेके आएंगे स्वयं भगवान। और भगवान लेके भक्तों की रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, क्योंकि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होगा। और वो लिखा है चार दिन के बाद अंधेरा होने के चार दिन है, सात दिन तो नहीं देखेंगे लोग, देखिए सात दिन ही हुए, चार दिन के बाद प्रलय होगा। और सात दिन के अंदर ही चार दिन जब होगा अंधेरे का चार दिन, वही प्रलय होगा। और जल प्रलय होगा, बर्फ चारों ओर हो जाएगा, वहाँ शिवकल्प निर्घंट मालिका में लिखा है। जो भक्त लोग हैं वही बात को जानते हैं, वही बात को जान के वो पहले से गुरु आश्रित हैं और ईश्वर को ही मानते हैं। और मद और आमिष को छोड़ के, मांस को छोड़ के, शराब को छोड़ के वो क्या कर रहे हैं, अभी भगवान के नाम जपने लगे हैं। क्योंकि अगले वो देखेंगे कि बहुत खूब निकट है, बहुत जल्द ही वही अंधेरा आने वाला है। तो अंधेरा आने वाला ही वही सोच के भक्त लोग ईश्वर को ही नाम जप करने लगे हैं। और वही लोग जानते हैं वो जो उसको उड़िया में कहते हैं चेतुआ भक्त, और वो चेतुआ भक्त जहाँ उड़िया में लिखा है, वो भक्त जो आगे क्या क्या होगा वही बात उसको पता है। तो इसके क्या वो लोग कैसे उधार पाएंगे, तो भक्त कैसे उधार पाएंगे ना, वो पहले से ही जान चुके हैं, महापुरुष ने भी वही बात लिखा है। तो इसलिए गुरु आश्रित वो है और ईश्वर का नाम जप कर रहे हैं, और सब छोड़ के प्रभु के नाम ही जप ही श्रेष्ठ मार्ग और उधार का मार्ग हो, यही बात। क्योंकि आगे आएंगे सात दिन के अंधेरा, और सात दिन अंधेरा आएगा तो लोग क्या करेंगे, तो उसके पहले से ही लोग लगे हैं अपने काम में। जो भक्त लोग हैं वो प्रभु के नाम जप कर रहे हैं, तो महापुरुष ने वही बात नहीं लिखा। अच्छा, तो बाबा जी बस लास्ट में एक डाउट था कि विशेषज्ञों का ये मानना है जब सात दिन सात रात अंधेरा होगा उस समय बिजली भी नहीं होगा, बिजली का कोई भी जो बिजली का चाहे मोबाइल होगा चाहे लाइट होगा कुछ काम नहीं करेगा उस समय, लेकिन उस दौरान कोई एक वृक्ष है उसका रस जब वो आंखों में लगाएंगे तो वो देख पाएंगे, तो वो लोग क्या, वो जो भक्त हैं वो उन लोगों को इससे पता होगा। देखिए सकते हैं बाबू, मालिका में भी वही बात लिखा है, जो भक्त लोग है वो वही वृक्षों के बारे में जान चुके हैं। वो महाभारत में भी एक वृक्ष था जो पंच पांडव ने अज्ञात वनवास में भ्रमण करते हैं, अंधेरा एक दिन हो गया था, तो कृष्ण ने बताए थे वो वृक्ष के बारे में। वही वृक्ष निकट गए थे और आंखों में लगाए थे और चारों ओर आग उजाला ही निकला, उजाला निकला। तो वही वृक्ष के बारे में जैसे पांच पांडव ने जाने थे वही भक्त ने जाने होंगे, और वही वृक्ष के निकट जाके अपने वृक्ष के जो पत्ता है उसको लेके लेके अंजन बना के आंखों में लगाएंगे, तो आंखों में लगा के चारों ओर उजाला ही उजाला होगा। ये बात तो द्वापर युग की कथा है, कलयुग में भी होगा। जो कलयुग में कैसे होगा ना, कलयुग में जब सात दिन का अंधेरा होगा तो वही भक्त लोग वही वृक्ष के रस के पत्ते को लेके आंखों में लगाएंगे, और आंखों में लगा के चारों ओर उजाला ही उजाला भक्तों को दिखाएंगे उजाला, लेकिन अज्ञान जो मनुष्य है जो अधर्म करने वाले वही उसको ही अंधेरा रहेगा। और जल प्रलय होगा, वो प्रलय में वही लोग नाश ही जाएंगे, वो महापुरुष ने लिखा है। तो बाबा जी हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं, तो सात दिन सात रात अंधेरा के समय ये जो पेड़ का बारे में आपने बताए, पौधे के बारे में, क्या वो उसका नाम आपको पता है और कहाँ ये मिलता है वो आपको पता है क्या? कहाँ मिलता है तो मैं बता दूंगी, हिमालय में मिलता है वो वृक्ष, लेकिन वही गुप्त है। ओडिशा में भी तो है? ओडिशा में भी है, ओडिशा में एक स्थान है उसको वो वृक्ष
रात में जाएंगे तो उजाला निकला था। अच्छा अच्छा, रात में जाएंगे लाइट तो लाइट निकलते हैं, वही जैसे अवतार मूवी में हमने देखा। हाँ हाँ हाँ, वही वही जैसे ही आप सर्प की मनी देखेंगे, जैसे वही वृक्षों को देखेंगे तो ऐसे ही देखेंगे। अच्छा, उजाला होगा, उजाला होगा, लेकिन वही गुप्त है जो भक्त लोग। अच्छा, नाम आपको पता है लेकिन आपने बताया नहीं। मैं कभी तो अभी एपिसोड करूंगी तो दूसरा एपिसोड उसके वृक्ष के बारे में जरूर बताऊंगी। उड़ीसा में भी वो वृक्ष है जो बाहर हिमालय में है, और राजस्थान में भी एक जो लिखा है संत अच्युतानंद महापुरुष ने भी लिखा है, वही स्थान पर मिलते हैं। और एक वृक्ष भी कुछ दिन से पहले एक वीडियो हमने देखा था, अफ्रीका के एक जो जंगल है वही वृक्षों को देखा था। उसने जो जंगल में बारे में वीडियो बनाने गए थे वो उस वृक्ष शाम जब गया था, रात हो गए, और रात होने से बाद वो जंगल में भी रह गए तो उसे दिखा वृक्ष का नाम क्या है। वो भी मालिका में लिखा है, वही वृक्ष जो अफ्रीका में दिखा था, जो हिमालय में अफ्रीका में मतलब वही है कि वहां पर भी भक्त होंगे, भक्त होंगे जहां जहां पर भक्त होंगे भगवान जी उनके लिए वो। हाँ, विदेश में भी बहुत सारा भक्त है, महापुरुष अच्युतानंद जी विदेश के भक्तों में बारे में बहुत सारा ग्रंथ में भी लिखा है, जर्मन के बारे में लिखा है, अफ्रीका के बारे में लिखा है, जो महापुरुष ने लिखा है अमेरिका के बारे में लिखा है, जो हमारे युद्ध थे महाभारत के युद्ध, वही वही तो जन्म लेंगे जो रथी जो रथी महारथी थे वो विदेश में ही जन्म लेके गुप्त में रहते होंगे। बिल्कुल, वो भारत आएंगे जब जो तृतीय विश्व युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो उनका अहम रोल ऐसा आएंगे। वो भारत उसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे आपके साथ। हाँ। तो वो कहाँ कहाँ जन्म लिए हैं, तो वो किस समय उनका युद्ध के समय पे उनका रोल क्या होगा। हाँ। उसके बारे में भी वो आएंगे और भारत में सपक्ष में वो लड़ेंगे, भारत के ऊपर। जो आप सत्य जानते हो, हमारे भक्त भी लोग जानते हैं, भारत बनेंगे विश्व गुरु, ऐसे ही बन जाएंगे विश्व गुरु तो कैसे बनेंगे विश्वगुरु। जो विश्वगुरु बनेंगे जब लड़ाई होगा, और लड़ाई से और ज्ञान प्राप्त होगा भारत से, और भारत में सब आएंगे, योद्धा आएंगे, रथी आएंगे, महारथी आएंगे, सब देश के गुरु भारत आएंगे। आपको हम कह रहे हैं, वही गुप्त तथ्य हम दे रहे हैं, सभी देशों में जो गुरु जन्म लेंगे वो भारत आके उसको ज्ञान प्राप्त होगा, और भारत आके इसे ज्ञान वो विस्तारित करेंगे, भारत हो जाएंगे विश्वगुरु। तो वही बात है, विश्व पटल पर भारत का झंडा उड़ेगा, झंडा उड़ेगा, जो सभी गुरु भारत में आएंगे। और ये बात सच्चे ये संत अच्युतानंद ने लिखा है, जो जो लोग हिमालय में जो संत है गुप्त में, जो ध्यान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, वही भी भारत में व्रत कर रहे हैं, वो आएंगे विश्वगुरु। जब भी भारत बनेंगे तो वही आके सब मिलजुल के ही ज्ञान, क्या ज्ञान है तो कलयुग में क्या क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है, वही बात बताएंगे, और सब लोग उसको मानेंगे, और सत्य ही खूब निकट आएंगे। और सात दिन का अंधेरा होगा, जो प्रलय में जो नाश जाएंगे वो म्लेच्छ होंगे, और जो उधार पाएंगे वो भक्त लोग हैं, और वो सत्य युग ही खूब निकट है। वो आएंगे हमारे रथी और महारथी गण, और गुरु भी आएंगे, और हम उनके आश्रित होके, जो भक्त लोग उनके आश्रित होके, और झंडा उड़ेगा विश्व गुरु का, और भारत बनेगा विश्व गुरु। जी बिल्कुल बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने कथाएं, जो मालिका की कथाएं हैं वो हमारे दर्शकों के सम्मुख आपने पेश किए हैं। तो आप अभी सुन रहे थे मालिका के रिसर्चर और जगन्नाथ कथा संस्कृति के महान प्रचारक बाबा दिवाकर दास महाराज जी को। तो फिर कलयुग के अंतिम कालखंड में ये जो होगा 7 days darkness, 7 days 7 rats अंधेरा, तो उस समय जो एक वृक्ष है उसके रस लगाने पर भक्तों जो भक्त हैं वो देख पाएंगे कि रात में भी बिल्कुल उजाला की तरह वो देख पाएंगे। तो बाबा जैसे कि बताए कि वो हिमालय में भी है, वो उड़ीसा में भी कई जगह पर वो है, और राजस्थान की एक जो जगह है भरतपुर वहाँ पे भी है। अगर आप में से कोई राजस्थान से ये वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें और बताएं राजस्थान के भरतपुर से कौन कौन है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय जगन्नाथ, जय पंचखा, जय जगन्नाथ।